हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कॉयल का इस्तेमाल करके, कॉयल जो लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल करके हम इमेज को फेच करेंगे एक यूआरएल से। और जैसे कि हम पिकासो ग्लाइड कर करते थे, तो वैसे ही कॉयल का हम इस्तेमाल करेंगे जेट पैक कंपोज के अंदर एक इमेज को फेच करने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है ग्रेडल फाइल में जाके इस डिपेंडेंसी को आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आईओ डॉट कॉयल के टी कॉयल कम्पोज 1.3.0, और ये आपको डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन को देना पड़ेगा, और एक लाइन ये ऐड कर लेना पड़ेगा आपको, यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, ठीक है। और इसके बाद हम गुड टू गो हैं। सीधे सीधे सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम का इस्तेमाल, कॉलम बेसिकली आप क्यों बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप अगर करने आए हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जेट पैक कंपोज की, यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो यानी कि कॉलम और रोज के बारे में आपको पता होगा। तो मॉडिफाइड और फिर मैक्स साइज करेंगे, और फिर इसके बाद हम सिंपली वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के पर काम करेंगे। वर्टिकल अरेंजमेंट किस लिए? ताकि हमारा जो अरेंजमेंट है वो ऐसा हो कि मतलब सेंटर में हो जाए बेसिकली, और कुछ काम तो नहीं अभी। अरेंजमेंट डॉट सेंटर, और फिर हम यहाँ पे करेंगे आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पे अलाइनमेंट जो कि होगा हमारा सेंटर हॉरिजेंटली होगा। इसके बाद हम इस कॉलम स्कोप को ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम अपने एक फंक्शन को कॉल करेंगे कॉइल इमेज लोडिंग को। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस पूरी फाइल के अंदर, मेन एक्टिविटी डॉट के टी के अंदर हम इस फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे। एड कम्पोजेबल नॉट पर नोटेशन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे कॉइल इमेज लोडिंग, और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे फंक्शन को। ओके, तो अब हमने फंक्शन बना लिया। अब हम फंक्शन के अंदर सबसे पहली जो चीज करेंगे वो होगा हमारा है एक बॉक्स क्रिएट करना। तो बॉक्स किस लिए क्रिएट करना? ताकि उसके अंदर एक इमेज को हम सेट कर सकें। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स सिंपली इसमें भी हम मॉडिफायर लगाएंगे, और मॉडिफायर हमारा होगा मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज का, और सॉरी फिल मैक्स साइज नहीं करेंगे, एक्चुअली विड्थ और उसकी हाइट दे देते हैं, क्योंकि अगर फिल मैक्स साइज करेंगे तो जितनी बड़ी इमेज होगी उतनी बड़ी आ जाएगी, तो वो हम चाहते नहीं यहाँ पे। तो विड्थ सेट करेंगे, फिर हाइट सेट करेंगे, और 200 200 dpi की मैं इसको चेक करूँगा। और इसके बाद हम इसमें एक जो कंटेंट अलाइनमेंट है हमारा उसको हम सेट करेंगे, यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में हमारा आ जाए, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक बॉक्स के अंदर पर्टिकुलर एक सेंटर में आ जाएगा हमारा जो भी डाटा हमारा होगा, ठीक है, कंटेंट जो होगा हमारा। अब हम इमेज के लिए एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, तो वैल पेंटर इज इक्वल्स टू रिमेंबर इमेज पेंटर। इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे बेसिकली, एक होगा हमारा डाटा के लिए जिसके अंदर हम अपना जो यूआरएल होगा वो पास हम करेंगे, और दूसरा हमारा होगा बिल्डर का। तो बिल्डर बेसिकली क्या है, यहाँ पे इमेज बिल्ड रिक्वेस्ट के लिए है, जो 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 रिक्वेस्ट हमें बिल्ड करनी है वो यहाँ पे हम पास ऑन करेंगे। फिर इसके बाद हमारा सिंपल इसमें हम सॉरी ओके, तो पेंटर स्टेट में हमारा पेंटर डॉट स्टेट आ जाएगी, और पेंटर स्टेट इज इक्वल्स टू पेंटर डॉट स्टेट, ठीक है, जो भी पेंटर है हमारी उसका स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे इमेज को लोड कर देंगे इमेज सिंपली, और पेंटर के अंदर हम पेंटर प्रोवाइड करेंगे, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर पेंटर स्टेट मैंने क्यों बनाई ये अभी मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली, क्योंकि इसमें हम पहले पहले चेक कर लेंगे कि हमारी जो इमेज है वो लोड हो रही है या नहीं हो। तो इमेज लोड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए यूआरएल। यूआरएल मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ये मेरे चैनल का जो लोगो है उसका यूआरएल है। बिल्डर भी हमने अभी नहीं काम किया क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसमें बिल्डर में क्या करना है। सबसे पहले रन करते हैं और चेक करते हैं कि बेसिकली इतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस बिल्डर का क्या काम है, इस प्रिंटर स्टेट का क्या काम होगा। तो अगर आप, मैंने रन कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बीच कुछ सेंटर में इस फोटो का ये आ रही है। हाँ, अब आते हैं सबसे पहले स्टेट का लिए काम करना। तो स्टेट में क्या है बेसिकली, ये हमने पेंटर स्टेट निकाली है कि अभी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, लोड हो रहा है, एरर आई है या कुछ और आया है, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक चेक मार सकते हैं कि अगर पेंटर स्टेट और इज इमेज पेंटर ओके कॉइल डॉट कम्पोज के लिए डॉट यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कॉल बैक कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं और स्टेट पता कर सकते हैं। तो अगर डॉट एम्प्टी है, एरर है, लोडिंग है, सक्सेस है, जिसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लोडिंग का चेक करूंगा, तो अगर लोडिंग है इमेज, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक सर्कुलर जो प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है उसको यहाँ पे रन कर देंगे। अब हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डू आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल एआई जो है एपीआई है उसको यहाँ पे कॉल कर इंपोर्ट कर ऐड कर देना, बेसिकली ऐड करके इनोटेट कर देना है। तो अगर मैं आप यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जब इमेज आएगी हमारी, उससे पहले एक सर्कुलर इंडिकेटर आएगा, तो हल्का सा ही आएगा, ज्यादा नहीं आए शायद। ओके नाउ यू कैन सी उस हर का बहुत कम टाइम के लिए आया था, पर आया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली। अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम यहाँ पे, अब यहाँ पे आप स्टेट के हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, पर ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं बिल्डर की तरफ अपने, कि बिल्डर में हमें क्या बेसिकली क्या करने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ, सबको कर देते हैं हम, ओके हाँ ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं बिल्डर की तरफ। तो बिल्डर में क्या होगा हमारा, बेसिकली सबसे पहले एक प्लेस होल्डर हम सेट करेंगे, सॉरी प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है कि जैसे हमारा जो इमेज आएगा तो वो इमेज कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, यानी कि अगर इमेज नहीं आई, ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे उसको। तो हम एक प्लेस होल्डर सेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी इमेज आने से पहले वो प्लेस होल्डर आ जाए। तो अगर प्लेस होल्डर के लिए आए, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर की इमेज ऑलरेडी ड्रॉएबल के अंदर स्टोर कर रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेस होल्डर, एरर के लिए भी मैंने स्टोर रखी है। तो प्लेस होल्डर के लिए मैं पहले दिखा देता हूँ, और सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं प्लेस होल्डर में आपको क्या आएगा। हालांकि बहुत हल्के टाइम के लिए आएगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं शो करेगा। लेट्स सी, नाउ यू कैन सी बहुत हल्के टाइम के लिए आया था, पर ठीक है, जो हमारा काम तो बेसिकली हमने वो यहाँ पे कर लिया है। अब प्लेस होल्डर हो गया, अब हम चेक करेंगे एरर के लिए, ठीक है, यानी कि अगर एरर आती है बेसिकली कहीं पे भी, तो उसके रिप्लेस में हम कौन सी इमेज को यहाँ पे शो करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक मैं इमेज को सेट कर रहा हूँ, और ये एरर आए इसके लिए यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, आरजी हटा देंगे। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, तो एरर आएगी इमेज लोडिंग में, और जब इमेज लोडिंग में एरर आएगी तो वहां पे एरर वाली जो फोटो है हमारी वो शो करेगी। ओके इमेज लोडिंग में एरर नहीं आई, यानी कि लिंक में कोई दिक्कत नहीं आई, दैट्स स्ट्रेंज एक्चुअली, आई डोंट नो। ओके अब तो आनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि इतना चेंज तो किया है यूआरएल में। नाउ यू कैन सी, वैसे तो अपने आप लोड हो गया था, फिर भी हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ गई है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली एरर का फंक्शन। अब हम दूसरी चीज और देखेंगे, एक है कि आप एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट करूँ तो आपको यहाँ पे सारे फंक्शन दिए जाएंगे, अलाउ कन्वर्जन टू बिटमैप के लिए, बिटमैप में आपको कन्वर्जन अलाउ करने के लिए होगा ये, अलाउ हार्डवेयर, ठीक है, RGB to 565 crossfade, अगर मैं यहाँ पे crossfade का अगर मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पे क्या हमें ड्यूरेशन प्रोवाइड करनी है, तो यानी कितने टाइम के लिए, तो मैं यहाँ पे 3000 के लिए देता हूँ, ठीक है, 3000 मिलीसेकंड। लेट्स सी 3 सेकंड के लिए क्या फेड होगा इसमें। ओके नाउ इट्स रनिंग। तो ये आप देख सकते हैं बहुत, मैंने 3 सेकंड लगाया इसीलिए ताकि आपको ये एक्चुअली दिखे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो दिस डॉट क्रॉस फील्ड यहाँ पे लगाने की जरूरत है, क्रॉस फील्ड मैंने सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए था कि हमें जो क्या क्या फंक्शन इसमें मिल रहे हैं, बाकी दिस डॉट तो सिर्फ आपको अगर सारे फंक्शंस देखने हैं एक बार में, तो यहाँ पे आपको दिस डॉट लगाइए, आप यहाँ पे सारे फंक्शन दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का है, ट्रांजिशन का है, ठीक है, और टारगेट का है, साइज, सेट पैरामीटर, स्केल, प्रेसिसाइजन, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें इसको इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। सम मैं यहाँ पे एक और चीज को ऐड करके जरा चेक कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली क्या होगा, पहले तो इसको हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या है कि हम इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ सर्कुलर क्रॉप
उसमें सर्कुलर करो, सॉरी वेट व्हाट, नहीं सर्कुलर क्रॉप नहीं, सर्कल क्रॉप ट्रांसफॉर्मेशन, सर्कल सर्कल शेप भी है, ठीक है सर्कल शेप भी है, लेकिन ये कंपोज का फंक्शन है। यहाँ पे हम कम उसके लिए काम कर रहे हैं, कॉइल के लिए, तो कॉइल में हमारा सर्कल क्रॉप ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, अप्लाई करूँ चेंजेस को, तो हम देख पाएंगे एक्चुअली, यू कैन सी जो हमारी इमेज थी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई यहाँ पे सर्कल क्रॉप में, ठीक है सर्कल ये क्रॉप्ड हो गई है। और इसी में हम एक और एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे कि अगर मैं इसको चाहूँ तो ब्लर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, ब्लर ट्रांसफॉर्मेशन। और खास बात इसकी ये है कि इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि कितना आपको ब्लर करना है या फिर आपको कितना क्या है। हालांकि हमें यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो लोकेल डॉट करंट, सॉरी लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट, ठीक है ये तरीका होता है करंट ऑन कॉन्टेक्स्ट को फेच कर टेक करने का। तो अगर मैं यहाँ पे अब करूँ उसको, तो आप देखेंगे हल्का सा ब्लर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आया है, बहुत हल्का सा ब्लर है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने इसमें भी सेट नहीं किया, इसकी ओपेसिटी वगैरह अपने सेट नहीं करी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेक करूँ तो ग्रे स्केल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है इसमें। ओके लेट्स सी ग्रे स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा बेसिकली हो सकता है ये शो करे। ओके नाउ यू कैन सी ब्लू कलर का था हल्का सा, इसमें ग्रे ग्रेश हो गया कलर। और इसमें और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शायद आ जाए, ओके नाउ इसमें नहीं आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी हैं फिलहाल, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रे स्केल सर्कल क्रॉप, इसको हमने यूज ही लिया है आई गेस, इतना ही है शायद। ओके तो आप देखने देखिए, और आपको अगर मिल जाए तो और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यार वीडियो इतना ही है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने अगर इसका इस्तेमाल क्यों और कहाँ किया। बाकी वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और चीज़ है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।